मस्त ले आस्ता आस्ता देखो काफी दिनों बाद में व्लॉग बना रहा हूँ मैं क्योंकि तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता यार। तो आज ना मम्मी पापा की एनिवर्सरी है तब मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। एक पता नहीं मुझे कि ये व्लॉग बनेगा या फिर वीडियो बनेगी, कितनी मिनट का बनेगा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं एक यादगार के लिए कि हमने पिछली बार भी व्लॉग बनाया था उसके मतलब 2-3 साल से मैं व्लॉग बना रहा हूँ इसी दिन, तो आज मैं व्लॉग बनाऊँगा कितनी मिनट का बनाए कुछ भी बने एक यादगार के लिए कि भाई हाँ आगे फ्यूचर में देखे मेरी माँ बुड्ढी होके चश्मा लगा के देखे पापा देखे हम जवान थे ऐसे दिखते थे ऐसे दांत निकालते थे। तो मतलब यही है वो उस वक्त जो खुशी मिलेगी इस टाइम की, तो मैं बस वो चाहता हूँ। तो इस दिन है ना मेरी माँ सबसे खूबसूरत लगती है क्योंकि नहा लेती है इस दिन और अच्छे कपड़े पहन लेती है इस दिन like? वो मेरी माँ ने ना मेरे से गिफ्ट मांगा इतनी बेसरा माँ गिफ्ट मांग लेती है। अब रही बात गिफ्ट की, क्या चाहिए बॉल है तो देखो जो कोई गिफ्ट है मेरे को मतलब कुछ नहीं कैसा। मैं मेरी माँ से पूछा बड़ी तेरी मर्जी से कुछ भी ले आना, तो मैं सोचा कि मेरी माँ को मैं गोल्ड देता हूँ तो मैं गोल्ड लाया हूँ मेरी माँ के लिए। मजाक था। अगर मैं गोल्ड लाता मेरी माँ के लिए तो मेरी माँ खुशी होती, बस मेरे को कुछ ही नहीं देती। तो मैं मेरी माँ के लिए बहुत प्यारी सी चीज़ लाया हूँ एक, जिससे वो खुश होगी ना, होगी क्या? मैं तो खुश ही हूँ, अब भी खुश हूँ। फिर रहने दो, गिफ्ट है फिर रहने दो। आई दे तो ठीक है, मैं खाली याद आया था तो ऐसे गुस्से में हो गई, खाली याद आ गया, गिफ्ट नहीं लाया ये वो। दे गुस्सा उसे, तू क्या देगी? इधर आ जा, इधर घूम के आजा। उसा के दे, उसा के दे, ठन ठन गोपाल, ठन ठन गोपाल। सूगली, सबसे सूगली इंसान दिखाता हूँ तुम्हारा, सबसे सूगला इंसान, सबसे सुंदर मैं हूँ। कुछ भी चमक मेरे पापा तो आएंगे नहीं क्योंकि वो खड़ूसी इंसान है। बताओ तने अरे कितनी प्रॉब्लम होती है मेरे पति के बारे में, कैसे बोला बीच में बता रहे मेरी प्यारी माँ। देखो मैं ना मम्मी के लिए गिफ्ट लाया हूँ, जो मैं मेरी माँ को आज गिफ्ट दूंगा ना वैसा मैंने मेरी माँ को कभी नहीं दिया। तो खुश होगी मेरी माँ, बहुत खुश होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखो मेरे से तो वेट नहीं हो रहा, तो मैं गिफ्ट दे रहा हूँ मम्मी, दे दूँ ना? दे दे। हाँ जरूरी थोड़ी है केक काटो तभी दो, अपने तो पहले दे दो। यहाँ रख के गया था, आ रहा हूँ मैं, बैठ जा आ रहा हूँ, आ जाऊँ, आ रहा हूँ। खोलो भाई, और तू चपड़ मत कर अगर बीच में। ब्यूटीफुल, ऑसम, अच्छा खरीद लग गया तू, ये सब काम से करने लग गया तू। रुक जाओ इधर तो दिखाओ है। हाँ अच्छा खरीद लग गया। देखो मेरी माँ ने मुझे कहा था, अरे इनको तो बताने थे अपनी फीलिंग्स यार, तुम ये कर लो यार। ओहो, हाँ तो मेरी माँ पहने तो एक बार देख लो यार, इसको देख लो, मेरी माँ को देख लो एक बार, तू देख अपने आराम से, देख लो तुम भी देख लो मेरी माँ। मस्त ले साड़ी तो भाई। मेरी माँ ने बोला था एक बार कि मेरे को रेड साड़ी चाहिए, तो मेरे को सही मौका मेरे को आज मिल गया, तो मैं रेड कलर की साड़ी ले आया और अकेला गया था साड़ी लेने के लिए। मेरे एक मेरे पास में एक लड़की सी बैठी थी, बोली मैं बताऊँ साड़ी कौन सी लें, मेरे समझ में नहीं आ रही थी, मैंने बहुत बहुत निकलवाई की, ये नहीं ये वाली ऐसे करके, तो बोली मैं बताऊँ, मैंने कहा नहीं मेरी माँ के लिए मैं लूँगा साड़ी, मेरी पसंद की लूँगा मेरी माँ के लिए। हाँ तो रेड कलर की साड़ी चाहिए थी मेरी माँ, बढ़िया है ना। हाँ तो मैंने मेरी लाइफ में पहली बार मेरी माँ के लिए साड़ी लिया, वो भी रेड कलर की, और मैं दूसरी लूंगा मेरी वाइफ के लिए। अब दिखा भाई, बहुत प्यारी साड़ी है, बहुत प्यारी है। अब मैं यही बांध दूंगी तो, ये देखो खुश है ना अब, कुछ ही देर ये देखो कैसी है, बताओ कैसी है। बढ़िया लग रही है ना।
दिल खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया। देखो साड़ी पहन ली, अब कह रही है मैं काम नहीं करूंगी, अब उषा काम करेगी, उषा लग गई किचन में। तो देखो मम्मी को तो मैं साड़ी ला दिया, अब पापा के लिए क्या लेके आऊं, मेरे तो समझ में ही नहीं आया कि क्या लेके आऊं। फिर मैं सोचा चलो ठीक है यार, इतनी सुंदर औकात से बार वाइफ है, इतनी क्या और क्या चाहिए बताओ। मम्मी कह रही है, मम्मी की ये साड़ी आ नहीं रही, ये छोटी पड़ गई है, खा खा के मोटी हो रही है। तो छोटी पड़ गई, ये आजकल की लड़कियों के लिए है जो स्लिम फिट होती हैं, पतली पतली जैसे मेरी वाइफ आएगी उनके लिए। तो मैं मम्मी को ये कह रहा हूँ, ये साड़ी किसी को नहीं देनी ना, ये चेंज होगी नहीं, तो मेरी पसंद की है, अलमारी में रख देना, छोटी पहन लेना, कुछ हो जाए ये साड़ी चेंज नहीं होगी, मेरी पसंद की हमेशा रहेगी। हाँ ये साड़ी हमेशा रहेगी, लाइफ में पहली बार ली है मेरी माँ की साड़ी, हमेशा रहेगी, कोई चेंज नहीं कुछ नहीं, ठीक है ना। आस्ता आस्ता क्यों हो गयो, तो क्या दुख लगे हो, गल दुख लग गया, आस्ता आस्ता हास हास आस्ता आस्ता बड़ा दुख लग गया। तो देखो मैं तो ऐसा इंसान हूँ, अपनों के लिए सपने छोड़ सकता हूँ, सपनों के लिए अपने नहीं छोड़ सकता, मेरे अपने खुश मैं खुश, बस मैं जीता ही अपनों के लिए हूँ। कुछ भी हो मतलब भगवान से कुछ भी मांगता हूँ, मेरे अपने खुश रहे, अपनों के साथ खुश रहो, बस मस्त रहो। उबास ले ले, इतनी शादी को 28 साल हो गए, खुश हो रही है कि 28 एनिवर्सरी है, बुढ़ी हो रही है तो वो नहीं दिख रहा। चल निकल मजाक नहीं कर सकता क्या, क्या पता मजाक सच हो। मैं कह रहा हूँ भाड़े पे लाया हुआ हूँ, रिटर्न कर देते हैं। बता केक आ गया, केक काटेंगे बाकी, पता नहीं कौन से रूल कहाँ से सीख के हैं हमारे घर वाले कि केक को चाकू से नहीं काटते, चम्मच से काटेंगे, मोमबत्ती जलाते नहीं है। चलिए आइए, चलो ठीक है, ये रे अपने लड्डू को पाल जी। चलो भाई चमचू काट लो थे, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो मैं खिलाऊंगी पहले, अरे पापा देखना बहुत घबराएंगे खिलाने से पहले। बात हम भी हैं, हम भी हैं, बोल थैंक यू, थैंक यू। या आ एक मिनट, अरे भाई घबराते क्यों, ज्यादा कब हो जाए, उठ के बाहर जाओ, ऐसे नर्वस हो जाते हैं एकदम। अब एक गाने पर डांस करा, लिखा ले तो ले, तो ले एक बार पक्की बात, ले चल चल खा, खो ले, नहीं कौन खाऊंगा, खा ले खा ले, तू खा ले, नहीं तू खा गई, ले बाबा। ओह शिट, पापा को बतानी है वीडियो बन रहा है। इस्माइल रुक गई, मैं खड़ा होके जा रहा हूँ, इतनी देर इस्माइल कर रहे थे, फोबिया है मेरा वीडियो बनाने से। मेरा फोन किधर है, अब फोन लेके जाऊंगा, सोऊंगा, फोन चलाऊंगा, रील देखूंगा। अब बेरो पड़ गयो, तो कपड़े चेंज कर लिए, अब खाएंगे खाना। यार मैं थक जाता हूँ यार, मैं कमजोर सा, मैं छुई मुई हूँ यार, मैं ज्यादा ऐसे थकना बनता भी है, सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ, पूरा दिन इधर उधर उधर, मेरा काम ही ऐसा है ना, शूट करना, वीडियो बनाना, फिर एडिट करना, तो ऐसा कुछ काम है मेरा, फिर भी इतना नहीं करता, फिर भी थक जाता हूँ, बस ऐसा ही है। अब खाना खा के सोऊंगा और करता हूँ इस व्लॉग को इधर ही समाप्त, बहुत दिनों बाद में बनाया था, मिलते हैं अगले व्लॉग में।